तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्ब्रेला एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथ्स नोबू रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। तो इस रिएक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पहले देखेंगे इसके रिएक्शन का स्टेटमेंट। तो ये रहा रिएक्शन का स्टेटमेंट। तो दिस रिएक्शन इज ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन इन विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्टेड इन टू एस्टर, फिनाइल ईथर, थियो ईथर एंड वेरियस कंपाउंड बाई यूजिंग ट्राई अल्काइल और ट्राई अराइल फॉस्फीन एंड एजो डाइकार्बोक्सिलेट। ये रिएक्शन का स्टेटमेंट हुआ। उसके बाद इस रिएक्शन में जो हम सब्सटेट यूज करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को यूज करेंगे, जिनकी स्टेरोकेमिस्ट्री जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होगी। मतलब यहाँ पे SN2 टाइप रिएक्शन को हम अप्लाई करेंगे। सपोज आपका सब्सटेट जो है R है तो आपको प्रोडक्ट S में मिलेगा, आपका एबो द प्लेन है तो वहाँ पे बिलो द प्लेन मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसके रिएक्शन में हम बात करेंगे इसके न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जो हम न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे वो एसिडिक कंपाउंड को यूज करेंगे जिनका पीके वैल्यू लेस देन 13 होगा। जैसे कि जिनका पीके वैल्यू लेस देन 13 है वो यहाँ पे लिखा है मैंने, कुछ एग्जांपल है ये, जैसे कार्बोक्लिक एसिड है, फिनॉल है, उसके बाद अजाइड है, थालामाइड है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जिनका पीके वैल्यू लेस देन 13 है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। ठीक है, जिनके पास एच इजिली वो रिलीज कर पाएंगे। उसके बाद इस रिएक्शन में जो हम जो फॉस्फीन यूज़ करेंगे या तो हम ट्राई अल्काइल मीन्स इथाइल ट्राई इथाइल ट्राई मिथाइल फॉस्फीन यूज़ करेंगे या तो अराइल की जगह हम फिनाइल यूज़ करेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ज़्यादातर TPP यूज़ किया जाता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे रिएक्शन में यूज़ करेंगे एजो डाइकार्बोक्सिलेट। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एजो डाइकार्बोक्सिलेट। तो इस नाइट्रोजन के जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक्चुअली जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है ये क्या हमारी एजो कंपाउंड है जो डाई में यूज़ किया जाता है। ये एजो कंपाउंड है, उसके बाजू में कार्बोक्सिलेट है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो टू है तो डाइकार्बोक्सिलेट। और इस ऑक्सीजन को जो लगे हैं आर ग्रुप वो कौन सा भी हो सकता है आर ग्रुप, जैसे कि इथाइल ले लो, मिथाइल ले लो, आइसोप्रोपाइल ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम रिएक्शन में डेट बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेट मीन, तो जितना आप आर ग्रुप बल्कि और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यूज़ करेंगे उतना ही रिएक्शन को कैपेबल बनाएगा, इंटरेस्टिंग बनाएगा, इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, जो एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करने की ताकत को बढ़ाएगा। ये जो एच प्लस हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में यूज़ किया है उस एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करने में मदद करेगा। उसके बाद जो यहाँ पे रिएक्शन में जो सॉल्वेंट रहेंगे वो बेंजीन है, डाइथाइल ईथर है, DCM है, DMF है। ठीक है, ऐसे हम सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट इस रिएक्शन में जो इंट्रामोलिकुलर मिथ्स नोबू रिएक्शन जो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है जैसे कि लैक्टोम। ठीक है, तो इस रिएक्शन को इसके मैकेनिज्म और कुछ प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शन की। तो रिएक्शन में देख सकते हैं यहाँ पे हम कि ये जो कार्बन है जो हमने सब्सट्रेट लिया है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, और यहाँ पे जो OH है एबो द प्लेन है, ये याद रखना है आपको। और ये जो कार्बन है वो कौन सा है, तो असिमेट्रिकल कार्बन है, मतलब कायरल कार्बन है। यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और डेड के साथ, ठीक है, डेड मतलब हमारा जो एजो कंपाउंड है, ठीक है, जो हमने लिया है डाइथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट। ठीक है, उसकी रिएक्शन हमने न्यूक्लियोफाइल के साथ किया। हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा मिलेगा, एस्टर मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो OH है एबो द प्लेन है और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है बिलो द प्लेन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टेरोकेमिस्ट्री जो है ये चेंज हो जाती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए, तो हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो आपके सामने मैंने इतना सारा मैकेनिज्म लिखा है, अब इस मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि हमारा जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है और ये डेट जो है मतलब डाइइथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट, इनके बीच में सबसे पहले रिएक्शन होती है, इस इनके बीच में फाइट हो जाती है। तो होता है क्या है कि देखिए हमारे जो फॉस्फरस के जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले इस नाइट्रोजन पे क्या करेंगे, वो अटैक करेंगे। ठीक है, जैसे इस पर अटैक करेंगे तो ये जो नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में जो एजो कंपाउंड इसकी जो पाई बॉन्ड है वो वीक है, तो ब्रेक हो जाएगी और इस नाइट्रोजन पर जो है क्या आएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गए, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, इसके पहले के टू इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाया है। ठीक है, अब वापस यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब देखिए होता है क्या है, तो हमारे इस फॉस्फोरस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। कौन सा, प्लस चार्ज। अभी प्लस चार्ज आया कैसे, तो देखिए होता क्या है कि जब जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे इस फॉस्फोरस इस नाइट्रोजन पर अटैक करता है, ऐड हो जाता है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक हो जाती है। तो ये जो नाइट्रोजन है क्या कर लेता है, ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, वो खुद की ओर खींच लेता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो वापस यहाँ पे क्या आएगा, इसके दो डॉट आ गए, मतलब इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स में खींचे हैं। अब तो देखिए, अब यहाँ पे इस नाइट्रोजन पर इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो देखिए 1, 2, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 3 और ये 4,
5 और 6, ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन्स और ये दो, 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इसका ऑक्टेट स्टेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, किससे लेगा, तो फॉस्फरस से लेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर डायरेक्टली हुई रिएक्शन, मैं आपको समझा रहा हूँ ये हुआ क्या क्या है, इस फॉस्फरस प्लस चार्ज कैसे आया है। तो देखिए यहाँ पर फॉस्फरस जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब वहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को देगा, ठीक है, और एक खुद लेगा, रखेगा, तो इसमें जो क्या बनेगी, बॉन्ड बन जाएगी। तो फॉस्फरस और नाइट्रोजन में बॉन्ड बन गई, मतलब नाइट्रोजन हमारा इसका ऑक्टेट स्टेबल हो गया, मगर फॉस्फरस पे प्लस चार्ज बढ़ जाता है, मतलब प्लस चार्ज आ जाता है, क्यों आया ये मैंने अभी यहाँ पे समझाया, ठीक है। वो नेक्स्ट होता क्या, देखिए अभी यहाँ पे एक ही कंपाउंड में प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है, और ये इसको हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को ज्विटर आयन, ज्विटर आयन किसको कहते हैं, जहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल में रहते हैं। तो नेक्स्ट होता क्या, देखिए हमारा जो नेगेटिव साइन है इस ऑक्सीजन पे, ये अब क्या करता है कि हमारा जो सब्सट्रेट है, सेकेंडरी अल्कोहल हमने सब्सट्रेट एज ए सब्सट्रेट लिया है, तो उसके H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, क्यों, क्योंकि हमारा जो OH का जो H है एसिडिक रहता है, और ये हमारा नाइट्रोजन क्या है, बेसिक है, बेसिक इन नेचर है, तो इस नाइट्रोजन क्या होता है, इसके लोन इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पे इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने दिखाया यहाँ पे, एक्चुअली आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो एट ए टाइम इस हाइड्रोजन की बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाती है, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज, तो नाइट्रोजन इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये यहाँ पे निगेटिव साइन चला जाता है, याद रखना। तो यहाँ पे आ गई इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन में बॉन्ड आ जाती है, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से दिखाया। तो देखिए और इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, निगेटिव साइन, मतलब ये क्या बना हमारा, अल्कोक्साइड बन गया, क्या बन गया, अल्कोक्साइड। अब ये अल्कोक्साइड करता क्या है, देखिए अब इसने अब क्या करेगा, हमारे जो फॉस्फरस है, ये जो ये वाला जो कंपाउंड है, ये बना है जब भी इसके फॉस्फरस पे वो ऐड हो जाएगा, अटैक करेंगे उसके दो इलेक्ट्रॉन जो हैं इस पर अटैक करेंगे, क्यों, क्योंकि याद रखना है स्ट्रॉन्ग फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी की वजह से ये ऑक्सीजन फॉस्फोरस पे अटैक करता है, और इसके बीच में ऑक्सीजन और फॉस्फोरस बॉन्ड बनाते रहते हैं, और ये जो बॉन्ड है इसका इंटरेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, बॉन्ड जो स्टेबल हो जाती है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसमें जो बॉन्ड की एनर्जी रहती है वो हाई रहती है, बॉन्ड एनर्जी इसमें हाई रहती है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट होता क्या है, देखिए अब देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करूँगा इस पर, ये हुआ अटैक इस पर, और ये फॉस्फोरस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज कर देगा, और इस पर फॉस्फोरस का प्लस चार्ज एज इट इज रहेगा, ये याद रखना आप, जब तक उसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तब तक वो प्लस चार्ज नहीं जाएगा वहाँ से, तो कब मिलेगा वो हम एंडिंग में देखेंगे उसकी स्टोरी। तो यहाँ पे इसके बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, वापस यहाँ पे क्या बना, नाइट्रोजन पे अनायन चार्ज, नेगेटिव साइन बढ़ गया। तो होता क्या, देखिए अब यहाँ पे इसने इस H अल्कोहल से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया था, एसिडिक H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया था, अब इस नाइट्रोजन का नेगेटिव साइन जो है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कौन से हाइड्रोजन को, न्यूक्लियोफाइल जो हमने यूज़ किया है, मैंने कहा था जो हमारा न्यूक्लियोफाइल रहेगा उसका पीके वैल्यू लेस देन 13 होना चाहिए, जो H प्लस को इजिली रिलीज कर पाए, ठीक है। तो अभी क्या करेगा हमारा, इस H प्लस को खुद की ओर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और इसका जो H ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज रिलीज कर देगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो देखिए इस नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन आ गए, एक तो आ गया इस अल्कोहल से और दूसरा आ गया इस एसिड से, मतलब इसका क्या होगा हमारा, ठीक है, पाई बॉन्ड तो निकल गई और हर एक नाइट्रोजन पे एक एच आ गए, मतलब इसका डाई एजो का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, एजो कंपाउंड जो हमारा ये है इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ तक समझिए आप। उसके बाद देखिए बना हमारा न्यूक्लियोफाइल, अभी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल कैसे बना तो अभी मैंने समझाया, अभी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हमारे जो बना है इंटरमीडिएट ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, ये जो कार्बन है स्टेरोजेनिक सेंटर जो कार्बन है उस पर बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है, कैसे करेगा, बैक साइड से जैसे इस पर अटैक करेगा तो ये कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, और ये यहाँ पे शिफ्ट होगी, पाई बॉन्ड बनाएगी और यहाँ से रिमूव हो जाएगा, वो लीव हो जाएगा, और क्या बनाएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड बनाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड से अटैक करेगा, मतलब इसकी जो स्टेरोकेमिस्ट्री है क्या, अबो द प्लेन है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बिलो द प्लेन मिलेगा, यहाँ पे मैंने दिखाया है, और हमारा एस्टर यहाँ पे बन जाएगा, और हमारा साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे कहने समझने की क्या बात है कि हमारा जो एजो कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है, एजो डाइकार्बोक्सिलेट का रिडक्शन हुआ है, और हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फिन का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए एक्चुअली होता है क्या है कि सपोज इस पे ट्राइफिनाइल फॉस्फिन नहीं रहता, सिर्फ एच ही रहता,
ठीक है। तो ओ एच क्या है, हमारा बैड लिविंग ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लगाया, यहाँ पे एच लगाया, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट नहीं रहता वहाँ पे, ऐसा कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे क्या सिर्फ एच है, मतलब ओ एच है। तो ओ एच जो है, जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाता है बैक साइड से, तो ओ एच यहाँ से रिमूव हो जाता है क्या, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ओ एच जो है ये क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब बैड लिविंग ग्रुप है। तो उसको क्या करता है, हमारा फॉस्फरस की, फॉस्फरस की वजह से ये जो है ऑक्सीजन एक्टिवेट हो, जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है, तो यहाँ पे जैसे बैक साइड से अटैक करता है, तो हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड गुड लिविंग का काम करेगा। कब? जब हमारे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो गुड लिविंग का काम करेगा, जब यहाँ पे फॉस्फरस रहता है। तो फॉस्फरस इस रिएक्शन को, इस ऑक्सीजन को एक्टिवेट करता है और ये इसको गुड लिविंग के काबिल बनाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो पूरी कैर पूरी कंप्लीट हो रही है किसकी वजह से, तो इस फॉस्फरस की वजह से, क्योंकि फॉस्फरस ही ऑक्सीजन को एक्टिवेट कर रहा है। और आपका प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में आता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला वाला जो एग्जाम्पल है, हम ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या किया उन्होंने, यहाँ जो ओ एच है, ठीक है, अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका ओ एच अबव द प्लेन है, तो इसकी रिएक्शन हम ट्राइफिनाइल फॉस्फिन और डेड के साथ करेंगे, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे यूज़ किया बेंजोइक एसिड। तो आपको प्रोडक्ट निकालना है, क्या करना है, तो देख भी बस क्या होता है, यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन होता है, ये तो आपको पता है, मगर उसके साथ आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी आपको करना आना चाहिए। तो उसका पूरा मैकेनिज्म और उसका प्रोडक्ट हम इसमें, इसके मैकेनिज्म में बताएंगे। तो चलिए, तो आइए, तो अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म आपके सामने रखा है मैंने, तो देखिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस देखिए क्या क्या करना है आपको। तो सबसे पहले जो फॉस्फरस है हमारा, क्या करना है, फॉस्फरस का इस नाइट्रोजन पे अटैक करना है, ऐड करना है इसको नाइट्रोजन पे, क्या करना है आपको इसको ऐड करना है। तो क्या होगा कि पाइप बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, हमारा ये क्या बनेगा, फॉस्फिन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और मैंने बताया है फॉस्फरस पे जो है नेगेटिव साइन किस तरह क्यों आता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, मैंने क्या बताया है वो, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे नेगेटिव साइन, ठीक है, ये हमारा बना ये वाला कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट होता है क्या है कि जो हमारा जो सब्सट्रेट है, जो हमने अल्कोहल लिया है, उसका H प्लस कौन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ये नाइट्रोजन अनायन, ठीक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन हमारा बेसिक है। तो क्या करेगा इस H प्लस को, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा इसको नेगेटिव, इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, वो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ तक समझ में? अब ये ऑक्साइड क्या करेगा, हमारा जो ये जो कंपाउंड बना है, ठीक है, इस फॉस्फोरस पर ये अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी की वजह से, दोनों के में जो प्यार है, मोहब्बत है, उसकी वजह से इसमें क्या होगी, बॉन्ड बन जाएगी, और ये जो फॉस्फोरस नाइट्रोजन पे उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा, और देखिए इस ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में क्या बन गई, बॉन्ड बन गई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो मैंने बताया, और इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन, यहाँ तक समझे, मैंने बताया है ये कैसे आया है, क्या है उस पहले वाले एग्जाम्पल में। तो वापस से क्या करें, नाइट्रोजन इस H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और H कौन सा है, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, बेंजोइक एसिड जो है ना, उसका H जो है, H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जैसे वो H को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये H प्लस चला जाएगा वहाँ पे ऑक्सीजन पे, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये बना हमारा न्यूक्लियोफाइल। और इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, इस वाला, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा और NH बन गया, और ये हमारा क्या बना, इसका रिडक्शन होगा, ये तो साइड हो गया हमारा, साइड प्रोडक्ट होगा। अब रिएक्शन होती है यहाँ पे स्टार्ट वापस से। अब यहाँ पे क्या करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, इस हमारे इस पर के बैक साइड से अटैक करेगा, तो एट ए टाइम क्या होगा, जैसे इसके बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से इजीली लीव हो जाएगा, निकल जाएगा, और वो ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे अबव द प्लेन है ये सब्सट्रेट, ये वाला सब्सट्रेट, और यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको बिलो द प्लेन मिल जाएगा, इसका मैकेनिज्म है। और इसके बाद और एक एग्जांपल लेंगे हम, और जितना एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। तो देखिए इस वाले एग्जांपल में, ये वाला थोड़ा अलग एग्जांपल है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जो हमारा सब्सट्रेट है वो अल्कोहल का है, उसमें हम ट्राइफिनाइल फॉस्फिन डेड की रिएक्शन करेंगे, और उसमें हम जो एसिडिक कंपाउंड यूज़ करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल बोल के, वो बेंजोइक एसिड रहेगा। और उसके बाद जो आपको क्या करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करना है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एस्टर आएगा, तो एस्टर का पता है आपको, रिड्यूस करेंगे उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे, तो वो रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में, या तो अल्डिहाइड हो या एस्टर। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये एस्टर को, अल्डिहाइड कीटोन को और कार्बोक्सिलिक एसिड को एक कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, तो डरना नहीं है, चलिए। तो और एक एग्जाम्पल बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फिन और इसे डेड के साथ,
रिएक्शन करनी है, ये तो आपको याद रखना सबसे पहले। ठीक है, इसके यहाँ पे अटैक करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, PH 3 यहाँ पे बन जाएगा ऑक्सीजन पे, सॉरी फॉस्फरस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या है कि जो हमारा जो नाइट्रोजन है ये बेस जो है इस एसिड H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और ये जो H यहाँ से जब चला जाता है, ठीक है, यहाँ से जब चला जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, याद रखना है आपको। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप में होता है कि हमने अल्कोक्साइड बनाया। तो देखिए, आपको सिर्फ अल्कोहल पर फोकस करना है, ठीक है, एल्डिहाइड पर अभी फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पे बनाइए हमारा अल्कोक्साइड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन, ठीक है, और इस फॉस्फरस पे प्लस चार्ज, और ये नाइट्रोजन ने H+ को एक्सट्रैक्ट किया इसलिए यहाँ पे इसका H+। यहाँ तक समझ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, मैं यहाँ पे ये स्टेप समझा रहा हूँ। अभी जो हमारा जो ये जो अल्कोक्साइड है ये हमारे फॉस्फरस पे अटैक करेगा, तो ये फॉस्फरस यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा नाइट्रोजन पे, वापस से अनायन चार्ज बनाएगा और ये जो ऑक्सीजन और फॉस्फरस में क्या बनेगी, बॉन्ड बनेगी, और इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। अभी नाइट्रोजन क्या करेगा, वापस से हमारा बेस नाइट्रोजन है, इसको H+ चाहिए, तो H+ कहाँ से लेगा, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया हमने कौन से किया, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अभी बेंजोइक एसिड से देखिए, बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आपका प्रोडक्ट एस्टर रहेगा, ये चीज़ याद रखनी है आपको। अभी क्या करेगा, H+ यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज कर देगा, तो इस नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ, बॉन्ड डबल बॉन्ड चली गई और ये बना आपका न्यूक्लियोफाइल। अभी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ हमारा जो ये वाला जो कंपाउंड है वो PPH3, ठीक है, अभी गुड लिविंग ग्रुप का काम करेगा और ये जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक होगा और ये हमारा लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप बोल के बाहर चला जाएगा, ठीक है, और ये ऑक्साइड के फॉर्म में चला जाएगा। क्या, कौन से ऑक्साइड, मतलब इसका हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो याद रखना, यहाँ पे ये किस फॉर्म में चला जाता है, ऑक्साइड फॉर्म में ये रिमूव हो जाता है। उसके बाद देखिए होता क्या है कि अब मैं यहाँ पे ये इसमें ही मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप समझाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बनाइए, ठीक है, ये तो बन गया हमारा। अब यहाँ पे क्या बनता है, देखिए यहाँ पे बनेगा हमारा ये एस्टर, क्या बना, एस्टर। जैसे एस्टर बना तो हम क्या करेंगे, हमने रिएक्शन में क्या लिखा था लास्ट, उसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर को इजिली रिड्यूस करता है। तो देखिए ये एस्टर को रिड्यूस करेगा और एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा, तो ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा तो किस में कन्वर्ट करेगा, ये अल्कोहल में, और ये इसको रिड्यूस करेगा तो एस्टर को, उसको भी किस में कन्वर्ट करेगा, वो अल्कोहल में, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट तैयार। तो याद रखना लास्ट स्टेप जो रहेगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है हमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो रिड्यूस करेगा हमारे एस्टर को अल्कोहल में और एल्डिहाइड को अल्कोहल में। कुछ एग्जांपल की बात करेंगे जहाँ पर एस्टर को प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए सेम मैकेनिज्म तो सेम रहेगा, बस आपको क्या क्या करना है, देखिए आपको ऐसा एग्जांपल दिया तो करना क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वहाँ पे स्टेरोकेमिस्ट्री को ध्यान रखना है कि वहाँ पे स्टेरोकेमिस्ट्री दी है या नहीं देखना है। तो देखिए इस वाले कंपाउंड में यहाँ पे स्टेरोकेमिस्ट्री दी है, जो अल्कोहल है वो बिलो द प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फिन डेड और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बस जो भी आपका जो OH रहेगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बिलो द प्लेन है, तो आपको प्रोडक्ट में क्या निकलना है, अबो द प्लेन, मतलब यहाँ पे ये डॉटेड लाइन को निकालना है, ठीक है। H तो चला जाएगा, याद रखना, यहाँ पे डॉटेड लाइन चली जाएगी, वहाँ पे अबो द प्लेन करना है, और यहाँ से H निकालने के बाद देखिए यहाँ से H निकाला और यहाँ से OH निकालना है, यहाँ से H और यहाँ से OH निकालना है, और इसको जो है एज इट इज उठाकर यहाँ पे लगाना है, देखिए C O R, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये मैं इजीली आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप मैकेनिज्म बाय मैकेनिज्म भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो और एक देखिए, और एक नीचे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एबो द प्लेन OH है, इसकी रिएक्शन ट्राइफिनाइल फॉस्फेट डेड और कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, बेंजोइक एसिड के साथ करेंगे, बेंजोइक एसिड के साथ करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या रहेगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये एबो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन करो, यहाँ से एच और यहाँ से OH को निकालो और उठाकर यहाँ पे लगाओ, तो आपको प्रोडक्ट क्या बन गया है, बहुत ईजी है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना है, ये चीज़ याद रखना है आपको, स्टेरोकेमिस्ट्री याद रखना है, बिलो द प्लेन रहेगा तो प्रोडक्ट को आपको एबो द प्लेन करना है, सपोज वो एबो द प्लेन रहेगा तो बिलो द प्लेन आपको करना है, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया होगा तो आपका प्रोडक्ट एस्टर रहेगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद और कुछ एग्जांपल बात करेंगे इस वाले एग्जांपल की, जहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फिन और डेड यूज़ किया है और यहाँ पे जो एसिडिक कंपाउंड यूज़ किया है वो कौन सा है, 2-hydrophenol, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। इसके मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे इसका प्रोडक्ट क्या है, सेम मैकेनिज्म है और प्रोडक्ट भी है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, बस थोड़ा प्रोडक्ट में चेंजेस रहेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म तो सेम है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फिन और DEAD,
याद रखेंगे DEAD डेड रह सकता है या DIAD हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। मैं बार बार ऐसे नहीं कि डेड ले रहा हूँ, तो यहाँ पे DIAD यानी एजो डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। बस उनका काम क्या है, एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है, एच प्लस एसिडिक एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करना। देखिए ये क्या करेगा, लोन प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड किया, इसमें माइनस चार्ज सेम, और इस नाइट्रोजन और फॉस्फरस में बॉन्ड बन जाएगी, फॉस्फरस के प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, ये जो हमारा नेगेटिव साइन है, ये जो अल्कोहल है उसका एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑक्सीजन अल्कोक्साइड बना उसने। जैसे ही अल्कोक्साइड बनाया, देखिए नाइट्रोजन एच प्लस एब्स्ट्रैक्ट किया, सेम मैकेनिज्म है, यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा और ये ऑक्साइड बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में जो ऑक्साइड बना है वो फॉस्फरस पे अटैक करेगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, तो यहाँ पे डायरेक्ट ने अटैक किया फॉस्फरस में, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और वापस से क्या बनाएगा वहाँ पे, अनायन बनाएगा। क्या बनाएगा वहाँ पे, वापस से अनायन बनाएगा। यहाँ तक समझ में आया, और इस फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में क्या बनेगी, अच्छी गहरी दोस्ती बन जाएगी, दोनों में प्यार जो है अपने बन गई है बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये जो हमारा बना है नाइट्रोजन पे वापस से अनायन बनाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से फॉस्फोरस चला गया। अभी अनायन क्या करेगा, इस फिनॉल के एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। भाई अभी तक हम कार्बोक्सिलिक एसिड की देख रहे थे, अब यहाँ पे फिनॉल लिया हमने, तो यहाँ पे जैसे इसका एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, और नाइट्रोजन इस एजो कंपाउंड का एजो डाई कार्बोक्सिलेट का रिएक्शन हो जाएगा, तो वापस ये बना हमारा ऑक्सीजन माइनस चार्ज। अभी हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, डायरेक्टली अटैक करेगा बैक साइड से, बैक साइड से अटैक करने के बाद ये हमारा यहाँ से लिविंग ग्रुप चला जाएगा, ऑक्साइड चला जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, और आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कौन सा बना है, ईथर, ठीक है। यहाँ पे भी याद रखना, ईथर का प्रोडक्ट बनेगा तो पे प्रोडक्ट जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होता है, वो एबो द प्लेन था तो यहाँ पे बिलो द प्लेन आ जाएगा, ठीक है। ये बना हमने ईथर के बारे में, बात करेंगे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आंसर निकालेंगे। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फेट लिया और DIAD लिया है, DIAD मतलब डाई आइसोप्रोपाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट, ठीक है। क्योंकि होता क्या है इस रिएक्शन में, जो भी देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो डाई आइसोप्रोपाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट है ये क्या करेगा, एच प्लस लेगा, इसका रिडक्शन होगा, तो दो हाइड्रोजन चले जाएंगे इसको, एक चले जाएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, अल्कोहल से हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ से एक एसिड से चला जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ये DIADH2, ओके। उसके बाद क्या होगा, जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है इसका हम ऑक्साइड करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब यहाँ से चला गया ये ऑक्सीजन, यहाँ से चला गया ये OH3, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, बचा क्या, देखिए अब यहाँ से ये तो चला गया, बचा जो है हमारा ये CF3CH2O CH2CF3, यहाँ पे लगाओ और आपका आंसर तैयार। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपका देखिए यहाँ पे जो OH है कैसे है, ये इक्विटोरियल पोजीशन पे है सबस्ट्रेट में, जब ये प्रोडक्ट में चला जाता है तो ये क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे चला जाता है, मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। अगर ये एक्सियल पे है तो आपका प्रोडक्ट इक्विटोरियल पे आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आप एक ही रिएक्शन पढ़ पढ़ के थक चुके होंगे, तो आप थोड़ी चेंज रिएक्शन में लाएंगे हम, ठीक है। तो ये देखिए हम आपके सामने है, ठीक है, इस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे। तो देखिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन डेड, उसके बाद यहाँ पे जो हमने एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया वो क्या है, DPPA, मतलब जैसे कि हमारा कंपाउंड है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉस्फोराइल, क्या है ये कंपाउंड का नाम हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमारा N3, ये हमारा कंपाउंड है DPPA, मतलब डाइफिनाइल फॉस्फोराइल अजाइड, ठीक है। हम यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल बोल के लेंगे और आपको आंसर निकालेंगे, वो कौन सा आएगा हम देखेंगे, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सेम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की रिएक्शन हमें इस डेड के साथ करनी है, ठीक है, सेम मैकेनिज्म, यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज, ठीक है, और यह फॉस्फरस पे प्लस चार्ज, नाइट्रोजन फॉस्फरस में बॉन्ड बन जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है कि जो हमारा नाइट्रोजन है ये एच प्लस के एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे जो एच प्लस है वापस से यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा वहाँ पे और वहाँ पे ओ माइनस फॉर्म कर देगा, मतलब अल्कोक्साइड बन जाएगा वहाँ पे ओ माइनस। ये देखिए यहाँ पे दिखाया मैंने, वापस यही क्या करेगा, ये जो एच प्लस दिख रहा फॉस्फोरस का, ठीक है, उस पर अटैक करेगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टूवर्ड फॉस्फोरस, ओके। तो देखिए नेक्स्ट फिर ये फॉस्फोरस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन फॉस्फोरस में क्या बनेंगे,
बॉन्ड बनी जाएगी, बॉन्ड बन जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है कि जो हमें यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड लिया है हमने, जिसका पीके वैल्यू लेस देन 13 है, वो कौन है, डी पी पी ए डाइफिनाइल, क्या है, डाइफिनाइल फॉस्फोराइल अजाइड, ठीक है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बोल के हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोसाइन है ये कैसे हमने दिखा है कि डायरेक्ट इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, वहाँ से अजाइड माइनस अजाइड आयन वहाँ पे रिलीज होगा और एन माइनस के फॉर्म में एन थ्री माइनस यहाँ पे बन जाएगा। अब ये एन थ्री माइनस ही हमारा क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और एट ए टाइम यहाँ पे ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में डबल बॉन्ड बन जाएगी, वहाँ पे गुड लिविंग के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे आएगा एन थ्री अजाइड कंपाउंड बन जाएगा, मतलब यहाँ पे भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे एक छोटी सी ट्रिक के बारे में जिसकी वजह से आपको पूरी रिएक्शन याद हो जाए, मे बी आपको ये चीज़ पसंद आए। तो आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी, हमारे बाबू भाई, तो उनकी नकल करके आप बना सकते हैं, मैं थोड़ा ट्राई करूँगा। तो देखिए, अरे वो मित्सुनु बुआ, दारू बहुत गंदी चीज़ है रे बाबा, इससे तेरा पूरा परिवार डेड हो जाएगा। दारू मीन्स अल्कोहल एंड तेरा परिवार मीन्स टीपीपी, और डेड के लिए हमारा डाई इथाइल एज अ डाई कार्बोक्सिलेट, और तू इसकी वजह से इन्वर्ट हो जाएगा, डाइवर्ट नहीं इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन।